दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे सोशल मीडिया ट्रेंड्स के बारे में। दोस्तों अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो तो आपको ये बात जानना बहुत जरूरी होता है कि आपको किस प्लेटफॉर्म पे अपने कंटेंट को पब्लिश करना चाहिए, जिससे कि दोस्तों आपके हार्डवर्क की वैल्यू मिल सके और आपकी ऑर्गेनिकली तरीके से फास्ट ग्रोथ हो सके। तो वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा बिना टाइम वेस्ट किए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्ते, मैं धर्मेंद्र आपका स्वागत करता हूँ क्रिएटर वैली यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस समय इस डिजिटल एरा में सभी लोगों को क्विक इंस्टेंट चीजें पसंद हैं, क्योंकि दोस्तों लोगों के पास टाइम नहीं होता है, वो सारी चीजें फटाफट देखना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म वीडियोस की। इस समय का ट्रेंड है शॉर्ट फॉर्म वीडियोस का। इवन दोस्तों सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शॉर्ट फॉर्म वीडियोस का फीचर इन्वॉल्व कर रहे हैं। यूट्यूब भी इन्वॉल्व कर दिया है, आपको इंस्टाग्राम पे रील का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आपको फेसबुक पे शॉर्ट फॉर्म वीडियोस ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इवन दोस्तों टिकटॉक जो अभी इंडिया में बैन हो चुका है, इससे पहले इसका भी काफी ज्यादा ट्रेंड था, लोग इस पर काफी अच्छी पॉपुलरिटी गेन कर रहे थे, काफी अच्छा फॉलोअर अपना बेस बना रहे थे। तो आप इस बात से समझ सकते हो कि शॉर्ट फॉर्म वीडियोस का कितना ज्यादा क्रेज है। इवन जब बड़े बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ये फीचर इन्वॉल्व कर रहे हैं तो आपको इस फीचर का जरूर यूज करना चाहिए, आपको भी अपने कंटेंट को शॉर्ट फॉर्म में क्रिएट करना चाहिए। अब दोस्तों आपको यह सोचना होगा कि आप अपने कंटेंट को कैसे शॉर्ट फॉर्म में क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों कुछ लोग ब्लॉगर्स होंगे, कुछ लोग का कुकिंग का चैनल होगा, ब्यूटी का चैनल होगा, ट्यूटोरियल्स का चैनल होगा, तो सभी लोगों को शॉर्ट फॉर्म वीडियोस क्रिएट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप अपनी क्रिएटिविटी को इंप्रूव करोगे तो डेफिनेटली आप शॉर्ट फॉर्म में क्रिएट कर सकते हो। आप इंस्टाग्राम के रील बना सकते हो 30 सेकंड 15 सेकंड के अंदर में, उसके साथ साथ दोस्तों आप यूट्यूब पे शॉर्ट फॉर्म में वीडियोस डाल सकते हैं 1 मिनट में। मैं अगर एग्जांपल देना चाहूं, जैसे अगर आप एक ब्लॉगर हो तो मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप रील्स के लिए वीडियो बना रहे हैं तो कभी तो आप किसी ऐसे प्लेस पे गए हो जो एक्सक्लूसिव है, तो उस तब आप उसे सिनेमैटिक तरीके से शूट करिए, उसे 30 मिनट 15 सेकंड या 1 मिनट के अंदर में क्रिएट करके उसे अपलोड करिए उस प्लेटफॉर्म पे। आप देखेंगे कि आपकी ऑर्गेनिक तरीके से रीच मिलेगी। अगर आपका कुकिंग का चैनल है सपोज, तो डेफिनेटली आपको सारी चीजें स्किप दिखानी होगी। आपको वहां पे जरूरी नहीं कि आप सारे कंटेंट में बोले, आप मत बोलिए। आपको अगर शॉर्ट फॉर्म में वीडियोस दिखाना है तो आप सीक्वेंस में सारी चीजें दिखाइए, जिससे कि लोगों को आइडिया लग सके कि ये बन कैसे रहा है। इसी तरह अगर आपका एक ट्यूटोरियल्स का चैनल है, एजुकेशनल का चैनल है, तो आप इंस्टेंट 5 पॉइंट्स बता सकते हो, 10 पॉइंट्स बता सकते हो, जिससे लोगों को अवेयरनेस हो सके। तो आप इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। आपको सिंपल से अपनी क्रिएटिविटी को इम्प्रूव करना होगा, तभी आप शॉर्ट फॉर्म की वीडियोस बना पाओगे। नेक्स्ट है दोस्तों स्टोरी। दोस्तों आपको सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे स्टोरी का ऑप्शन जरूर देखने को मिलेगा। दोस्तों इस समय स्टोरी का भी बहुत ज्यादा ट्रेंड है, लोगों को स्टोरी देखना पसंद है और आपको सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे स्टोरी का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब होता यहाँ पे ये है दोस्तों, अगर आप एक बिगिनिंग क्रिएटर हो तो आपको लगता है कि हमारे सब्सक्राइबर बेस बहुत कम है, हमारी स्टोरी को कौन देखेगा। लेकिन आपको ये नहीं सोचना है, इसके बदले आपको डेली अपने स्टोरी पे कंटेंट पोस्ट करना है। दोस्तों थर्ड है लाइव। दोस्तों बहुत कम ही लोग लाइव का यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आप एक क्रिएटर हो तो डेफिनेटली आपको लाइव का यूज़ करना चाहिए। अगेन दोस्तों लाइव का भी ऑप्शन आपको सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाएगा, आपको यूट्यूब में भी देखने को मिल जाएगा, इंस्टाग्राम में भी देखने को मिल जाएगा, फेसबुक पर भी देखने को मिल जाएगा। अगर आप एक अभी अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया हो तो आप तुरंत लाइव नहीं जा सकते, क्योंकि उसका एक थ्रेशोल्ड होता है कि आप 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लेंगे तभी आप लाइव जा सकते हैं अपने स्मार्टफोन से। अगर आप लैपटॉप या पीसी से जाना चाहते हो तो डेफिनेटली इनिशियल से भी जा सकते हो, बट 100 सब्सक्राइबर के बाद। लेकिन दोस्तों अगर आप इंस्टाग्राम पे लाइव जाना चाहते हो, फेसबुक पे अपने लाइव जाना चाहते हो, तो आप इनिशियल से ही लाइव जा सकते हो और इवन आपको जाना भी चाहिए। दोस्तों इससे होता क्या है कि आपकी कम्युनिकेशन बेटर होती है, आप लोगों की इनिशियल से ही प्रॉब्लम को सॉल्व करते रहते हो, क्योंकि उनका क्वेश्चन आता रहता है, उनकी क्वेरीज आती रहती है और उसे आप रिप्लाई करते रहते हो। आप जितना ज्यादा लाइव जाओगे उतना ज्यादा आपकी बॉन्डिंग अच्छे से क्रिएट होगी और उस प्लेटफॉर्म पे आपकी ऑर्गेनिक रीच बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी और आप अपने कंटेंट को ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाओगे। तो डेफिनेटली आपको लाइव का भी इस्तेमाल करना चाहिए। अगर अभी तक आप नहीं कर रहे हो तो इसे अप्लाई करो अपने कंटेंट के फॉर्म में। आप ऐसा भी कर सकते हो कि वीक में आप एक दिन ही लाइव जाओ, आपने अभी तक जितना कंटेंट शूट किया है उसे एक रफली माइंड में मेकअप कर लीजिए, उसके बाद लाइव जाने के बाद वही सारे कंटेंट को दोबारा रिपीट कर दीजिए। मैं मानता हूं कि इनिशियल में प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर आप इसे इंप्लीमेंट ऐसे करेंगे तो डेफिनेटली आपकी ग्रोथ भी होगी और आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। दोस्तों अब हम लोग जानते हैं कि कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बेस्ट है। अपने अपने प्लेस पे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बेस्ट है, लेकिन अगर आप अपनी ग्रोथ फास्ट चाहते हो तो इंस्टाग्राम इस समय सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। दोस्तों इंस्टाग्राम में रील पे वीडियोज अपलोड करो, 1 मिनट का वीडियोज अपलोड करो, IGTV पे वीडियोज अपलोड करो, टेक्स्ट के फॉर्म में वहां पे फोटोज अपलोड करो, डेफिनेटली आपकी ऑर्गेनिक बहुत फास्ट ग्रोथ होगी। दोस्तों मैं कई ऐसे लोगों
लोगों को जानते हो, इंस्टाग्राम पे केवल रील बना के अपने फॉलोवर को लाखों में गेन किए हुए हैं, तो आप भी डेफिनेटली कर सकते हो, लेकिन आपको सारे फीचर्स का यूज करना आना चाहिए। नहीं आता है, सिंपल है, तो यूट्यूब पे जाओ, सीखो, उससे रिलेटेड आर्टिकल पढ़ो, आपको चीजें आने लगेंगी, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना ही करना होगा, क्योंकि बिना प्रैक्टिस से कोई भी चीजें नहीं होने वाली हैं। और दोस्तों, अगर आप एजुकेशनल टाइप का कंटेंट बनाते हो तो डेफिनेटली यूट्यूब पे तो आपको वीडियोस अपलोड करना ही करना है, उसे आप इंस्टाग्राम पे भी अपलोड करो, फेसबुक पे भी अपलोड करो, लेकिन एजुकेशनल कंटेंट थोड़ा फेसबुक पे बहुत कम चलते हैं, उसे लिंक्डइन पे ज्यादा फोकस करोगे तो डेफिनेटली वहां पे भी आपकी ऑर्गेनिक बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। और दोस्तों, फाइनली, अगर आपका कोई डाउट्स है या कोई क्वेरीज है, लोगों से अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट करना चाहते हो प्रोफेशनल या बड़े बड़े क्रिएटर के साथ, तो आपको ट्विटर का यूज करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों एट द एंड अगर आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई प्रॉब्लम आती है तो आप ट्विटर का ही सहारा लेते हो, ईमेल का ही सहारा लेते हो, तो इन सारे सोशल मीडियाज का भी आपके पास नॉलेज होना चाहिए। आई होप दोस्तों आपको ये छोटी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियोस पसंद आए, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आपका वीडियोस रिलेटेड कोई सुझाव है, आप किसी नए टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, तो नीचे कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हैव अ स्माइल।